हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आईयूपीएसी रूल्स फॉर नेमिंग मोनो एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो सिंगल फंक्शनल ग्रुप रहेगा या डबल फंक्शनल ग्रुप रहेगा या ट्रिपल जो भी है, तो उसे हमको नाम देना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन अल्केन देखा, सैचुरेटेड। ओके, वहां पे ब्रांचिंग था, तो वो हो गया पहला। सेकेंड हमने देखा दी आईपीसी नोमेनक्लेचर फॉर अल्कीन एंड अल्काइन। उसके बाद हमने देखा आईपीसी नोमेनक्लेचर फॉर साइक्लिक कंपाउंड, और अब ये चौथा टॉपिक है इस आईपीसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, और वो क्या है, दैट इज दी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब फंक्शनल ग्रुप तो आपको पता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमने देखे, इसके पहले एक लिस्ट भी बनाई थी और आपने वो याद की होगी, ऐसे में अपेक्षा करती हूँ। तो यहाँ पे हम पहले मैं एग्जांपल आपको समझा देती, वो एग्जांपल का नाम बता देती और फट से आपको ध्यान में आ जाएगा कि रूल्स क्या क्या है, और रूल्स कुछ ज्यादा नहीं है और ऑर्डर भी ज्यादा नहीं है, तो आप ये कर पाओगे। सो यहाँ पे देखिए, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, फंक्शनल ग्रुप को लोकेट करना। ये फंक्शनल ग्रुप है, उसे हमने लोकेट किया है। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं हमें, एक है OH और दूसरा है C डबल बॉन्ड O, यानी एक कीटोनिक ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो अब यहाँ पे हमने नंबरिंग इस साइड से किया है, क्यों इस साइड से किया है, क्योंकि ये जो CO है उसको प्रायोरिटी दी है। दो फंक्शनल ग्रुप है तो दो फंक्शनल ग्रुप में किसे पहला नंबर देना और किसे दूसरा नंबर देना, इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, और वो प्रायोरिटी ऑर्डर ये है। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दिया है, तो आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी लर्न करना है। देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर, देखिए इसमें ये क्या है, सी डबल ओ, ये है सी डबल ओ, और ये क्या है, OH। ये देखिए यहाँ पे OH है, तो किसको प्रायोरिटी देना है हमने, सी डबल ओ को, और OH बाद में लिखा है, यानी प्रायोरिटी में जो पहले है उसको नंबरिंग करते वक्त वो कम नंबर आना चाहिए, यानी उसको प्रायोरिटी देंगे हम। जैसे कि ये है, ये दो है, तो हमने क्या चूज किया, ये पहले आ रहा है, तो इसको कंसीडर करेंगे नंबरिंग के वक्त, जहां से नंबरिंग में ये पास आएगा। जैसे हमने 1 2 3 लिखा, यहाँ पे थर्ड पे है, 1 2 3 यहाँ पे भी थर्ड पे है, तो तीन नंबर पे ये जो हमें दिख रहा है दोनों साइड से, और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप दूसरा है, तो हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया। ओके, कुछ रूल्स मैं बता रही हूँ एक्सप्लेन करके, तो आप वो समझ लेना, क्योंकि ज्यादा बहुत ज्यादा लिखा हुआ रहता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। जितने हम ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे तो हमको रूल याद करने की जरूरत नहीं, हमें समझ में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह इसका नाम क्या हो गया, टू हाइड्रोक्सी, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोक्सी लिखा है हमने, टू हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, और 3 नंबर पे है कीटोन, 3 ऑन। यानी अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, ऑन, तो इसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, पीछे से जो है सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स में यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये ग्रुप के लिए प्रीफिक्स सफिक्स नाम क्या है। जैसे कि यहाँ CO है, देखिए यहाँ पे CO, अगर इसको प्रीफिक्स में लिखना है, जैसे यहाँ हमने OH को लिखा है हाइड्रोक्सी, अगर वैसा लिखना है तो उसे हम ऑक्सो लेंगे, पर यहाँ पे क्या है, वो सफिक्स में है पीछे, यहाँ पे वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर पहला आता है, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर में वो पहले आता है, इसलिए इसका सरनेम वहां पे रहेगा, और वो क्या है, ओ एन ई, जहां पे सी डबल ओ रहेगा यानी CO, तो वो ओ एन ई से लास्ट, उसका जो सफिक्स है वो ओ एन ई रहेगा। ओके, अभी रूल्स थोड़ा देख लेते और एग्जाम्पल देते। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की जिसमें की फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा, नंबर कार्बन एटम्स फ्रॉम विच फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट, हमने कहां से नंबर किया कार्बन एटम्स का, जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट आ रहा है, तो हमने नंबरिंग इस साइड से किया, ये जो है वो दोनों साइड से सेम आ रहा, पर यहां और एक फंक्शनल ग्रुप है तो यहां से नंबर किया हमने। थर्ड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइडेड बाय फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमें उसे कहना है जिसको प्रायोरिटी में पहले रखा हुआ है ना, जैसे ये दो लिए तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, अगर ये दो आ रहे तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया,
ये और ये है, तो ये हो गया। ये जो पहले आ रहा है उसे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। हम प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरह का है, ये आपको याद करना है। आपको दो टेबल याद करना है, ये टेबल और ये टेबल। ओके, अब इसका नाम देखिए क्या होगा। यहाँ ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। ये COOH है और ये NH2 है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये एसिडिक पहले आ रहा है और NH2 बाद में आ रहा है। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे? COOH के कार्बन से, 1, 2, 3, 4। तो 3 पे आ रहा है अमाइनो, ये क्या हो गया, 3-amino-butanoic एसिड, ये 4 है तो ब्यूटानोइक एसिड हो गया। ओके, इस तरह हम कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है और NO2 अटैच है, तो 1-nitro-butane उसका नाम हो गया, 1 पे वो आ रहा है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी लर्न करना है आपको, फंक्शनल ग्रुप इन प्रीफिक्स ओनली कौन कौन से, जैसे नाइट्रो है, जो हैलाइड है, देन OR है, और ऐसे बाकी ग्रुप है। पर आप ये प्राइमरी जो बेसिक है ये आप अच्छे से कीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होते ज्यादा, जितना ज्यादा कुछ अनवांटेड फॉर्मूले हम लेते रहेंगे तो उसमें कंफ्यूजन आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही आप अच्छे से कीजिए और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल छुड़ा के देखिए। एक एग्जाम्पल यहाँ का देखिए, जहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, ये ईथर के लिए है। ईथर में क्या होता है, 2 R ग्रुप रहते हैं, ROR। ये R यानी क्या होता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, ऐसे हम इसको कहते हैं। तो ये इस तरह का अगर अटैच होता है, जैसे हम मिथाइल रहेगा या इथाइल, तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप जहां वहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से पास में आ रहा है। ओके, और फिर जिस कार्बन पे अटैच है उसका नंबर डालेंगे, जैसे 2, और ये मिथाइल ग्रुप है और ये ऑक्सी, मिथॉक्सी, और 3 है इसमें प्रोपेन। इन दिस मैनर दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल। अब ये टेबल देख लीजिए, ये CHO है तो प्रीफिक्स में रहेगा तो फॉर्मल होगा, और पीछे रहेगा तो प्रायोरिटी ऑर्डर में उसको हम अगर सरनेम में लेते हैं तो वो AL हो जाएगा। CO ऑक्सो ONE, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोक्सी और ONE, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, हाइड्रोक्सी। पर अगर ये जो कंपाउंड, ये जो OH ग्रुप है, ये अगर अकेला ही रहता है तो वो क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा। जैसे हम एक हाथ में एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, CH2, CH3, OH। ओके, जैसे यहाँ पे एक ही है, अगर ये हमने सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल लेके देखा तो ये ऐसा हो जाता है, एक एग्जाम्पल है। तो हम नंबरिंग कहां से पहले लोकेट करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप, और फिर नंबरिंग करेंगे यहां से, और अभी पता चल जाता हमें कि ये 2 नंबर पे OH ग्रुप है तो उसका OL, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल, ऐसे नाम उसका हो जाएगा क्योंकि OL है। और यही OH अगर हमें प्रीफिक्स में लिखना है, जैसे कि यहां पे है प्रीफिक्स में लिखना है, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने रखा है पहले, तो सरनेम क्या हो जाएगा, ONE, और ये हाइड्रोक्सी होगा। देखो ये हाइड्रोक्सी और OL, यहाँ पे क्या है, OL, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सी वर्ड नहीं यूज किया। इन दिस मैनर दिस टॉपिक इज ऑल्सो सिंपल, एंड ट्राई टू सॉल्व द डिफरेंट एग्जाम्पल सो द कंसेप्ट विल बी क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड हैप्पी वुमेंस डे।